हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आज शाम की यहाँ पे 23 नहीं, आप मान कर चल सकते हो यहाँ पे 25-26 अपडेट्स जो हैं, नोटिफिकेशन जो हैं आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर जो है बात कर लें तो HP की तरफ से कुछ डेट शीट जो है दोस्तों जारी की गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी डेट शीट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ की रिवाइज भी हुई हैं, कुछ की डेट शीट भी आई हैं। इसके अलावा रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है HP UG का, ओके। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड भी एक अपडेट यहाँ पर दोस्तों आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों HP2 एडमिशन को लेकर यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी आपको देख लेनी है, ओके। तो सभी नोटिफिकेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लिया करो, क्योंकि फिर आप देखते नहीं और बाद में कमेंट करते हो कि ये चीज़ कहाँ है, ये होगी या नहीं होगी। तो सब कुछ मैंने वीडियो में ही बताया होता है, ठीक है। तो आप सभी जो है वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देख लिया करो, और फिर आपको पूरा पता चलता रहेगा कि क्या होगा, किसकी काउंसलिंग कब होगी, किसका रिजल्ट आ रहा है, किसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। पूरा एक बार देख लिया करो, ज़्यादा लंबी वीडियो, कोई कोई ही वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि देखो भी 25-26 नोटिफिकेशन आपको बताने हैं तो उसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले नोटिफिकेशन के साथ हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला नोटिफिकेशन, हम यहाँ पे देखते हैं। और हाँ, डेट शीट आपको बता ही दिया कि डेट शीट भी आई हुई है यहाँ पे, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, पहला नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा 364 KB का। तो ये दोस्तों यहाँ पर HPU रीजनल सेंटर खनियारा धर्मशाला डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स का की तरफ से यहाँ पर जो है ये लिस्ट आई हुई है सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए। सेकंड मेरिट लिस्ट है ये, ठीक है। ये है सेकंड मेरिट लिस्ट, ये आप देख लो यहाँ पे। और ये आपको फ़ीस जमा करवानी है 27 सितंबर 2 बजे तक। अगर नहीं करवाओगे तो फिर वही है कि नेक्स्ट कैंडिडेट को ये सीट आपकी चली जाएगी, ओके। ये कैंडिडेट जो है इनको फ़ीस जमा करवानी है, ओके। कैटेगरी भी देख लो, सब कुछ लिखा है, नाम और डेट ऑफ बर्थ, जनरल सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, और जो हमारी अपडेट है वो 167 KB की। ये दोस्तों ये बहुत यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि कब आएगी, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड किसके लिए है, MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लो यहाँ पे, MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं, और ऊपर है सब्सिडाइज, नीचे है नॉन सब्सिडाइज, ओके। तो ये आप पूरा देख लेना, किसी चीज़ का पता ना चले तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ चलो जी, नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों 24 KB का, ये तो 24 KB का है। ये है अपडेटेड लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है MSc जूलॉजी नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए। 10 सीट्स हैं यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज की, और 27 तक आपको फ़ीस जमा करवानी है 5 बजे तक। नहीं करवाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको ये सीट मिल जाएगी फिर। नेक्स्ट दोस्तों देखें तो नेक्स्ट है आपकी 22 KB, ये है आपकी MSc बोटनी नॉन सब्सिडाइज की टेंटेटिव लिस्ट, ये आप देख लो। और यहाँ पे 27 तक आपको जमा करवा, नहीं एक मिनट, अच्छा हाँ 27 तक फ़ीस जमा करवानी है। तो बाकी आप इनको एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, कुछ पता ना चले आपको तो। वैसे ये टेंटेटिव लिस्ट है, ये आप देख लो, फिर ये फाइनल ही कर देंगे आई थिंक इसको ना। वैसे उन्होंने बोला है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो फ़ीस पे कर दें 27 तक। नेक्स्ट दोस्तों बात करें 188 KB MSc माइक्रोबायोलॉजी, हाँ तो ये सब्सिडाइज्ड सीट्स हैं, और ये है नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी HP यूनिवर्सिटी है, और ये है ये भी HP यूनिवर्सिटी कैंपस है। अच्छा ये सब्सिडाइज्ड सीट्स हैं और ये हैं नॉन सब्सिडाइज्ड, ओके, माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं। इनको 29 सितंबर तक फ़ीस जमा करानी है, नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को सीट चले जाएगी, ओके। नेक्स्ट दोस्तों 188 का हो गया, हाँ जी 188 वाला हो गया। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम 218 KB, तो ये यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन अम्बेडकर स्टडीज़, यहाँ पे मेरिट एट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनी है, और ये कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हैं। 28 तक इनको फ़ीस जमा यहाँ पे करवानी है, बाकी आप यहाँ पे देख लेना, पूरा पढ़ लेना इस नोटिफिकेशन को, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इन सभी का PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, ठीक है। जितने भी नोटिफिकेशन PDF सब आपको वहीं पर मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हिमाचल अपडेट्स के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अभी उसके ऊपर भी आपको रेगुलर वीडियोज़ मैं ट्राई करूँगा अपडेट करने की आपको, ठीक है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 218 हो गया, 90 KB देखते हैं।
तो ये है आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए, और 24 से 28 के बीच मैं आपको फ़ीस जमा करवानी है, यानी कि आज से फ़ीस जमा करवा सकते हो, ठीक है। तो ये देख लेना आप पूरा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों 90 के बी का हो गया, ओके 527 देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन विदाउट एंट्रेंस, दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ, किसके लिए ये, अच्छा ओके। तो ये आप दोस्तों देख लेना यहाँ पे, ठीक है, पीएचडी के लिए, और शुल्क भी यहाँ पे लिखा है 5,000 रुपये, ठीक। नेक्स्ट 90 के बी वाला हो गया, हाँ 90 के बी हो गया, 527 वाला भी हो गया, 375 देखेंगे। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए, ओके। तो ये आप देख लो, ये लिस्ट यहाँ पे आई हुई है, और यहाँ पे फीस आपको पे करनी है 28 सितंबर तक, ओके। और जिन्होंने यहाँ पे ये जो जमा नहीं करवाई है, अपनी सबमिट नहीं करवाई है BA फाइनल की DMC पास, तो वो यहाँ पे जमा करवा देना, ठीक है, डिपॉजिट फीस डिपॉजिट करने से पहले। नेक्स्ट दोस्तों 299 के भी, ये है आपकी MCOM फर्स्ट सेमेस्टर की, ये भी खनियारा की है, रीजनल सेंटर धर्मशाला की, ठीक है। तो ये भी 27 सितंबर तक आपको फ़ीस जमा करवानी है 1 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 186 के बी की, ये है MA सोशोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की लिस्ट, ठीक है, और ये भी जो है आपको 27 सितंबर तक फ़ीस जमा करवानी है, ओके। और जिन्होंने DMC नहीं जमा करवाई वो भी आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों 186 की हो गई क्या, हाँ 186 की भी हो गई है, अब है 661, ये है MA सोशल वर्क की लिस्ट, तो ये भी आप यहाँ पे देख लो, 27 सितंबर तक आपको फ़ीस जमा करवानी है। नेक्स्ट है 747, ये है नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ओके, MSc फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के लिए, 26 तक आपको फ़ीस जमा करवानी है, ये रही लिस्ट यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट 633, तो ये है आपकी दोस्तों PhD इन संस्कृत, PhD प्रोग्राम के लिए दोस्तों ये, ठीक है। तो ये भी आप देख लो, काउंसलिंग पैदल इन द काउंसलिंग विद देयर फोटोकॉपी ऑफ सेम, ओके, तो देख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 633 हो गया, हाँ 1.5 MB, ये है दोस्तों हिस्ट्री की, तो MA हिस्ट्री की भी यहाँ पे आ चुकी है HPU की, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पे अपना एक मिनट कैंड विदाउट कंसोलिडेट ग्रेड कार्ड आर प्योरली एडमिट प्रोविजनली, ओके, रिक्वेस्ट डिपॉजिट द फीस, ओके। तो फीस आपको 24-28 के बीच यहाँ पे जमा करवानी है, ठीक है, बाकी पूरा पढ़ लेना नोटिफिकेशन, ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ नीचे देख लो, यहाँ पे देख लेना पूरा पढ़ लेना नीचे भी, ठीक है। और आपकी क्लासेस पूछ रहे थे आप, तो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 4 अक्टूबर से, ठीक है, 4 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। 261 के बी का देख लेते हैं, ये दोस्तों MCOM फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पे वेटिंग अगेंस्ट द सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए, तो ये देख लो 25 सितंबर तक आपको ये फ़ीस जमा करवानी है इसकी, बाकी एक बार पता कर लेना इनसे, ठीक है, पूरे कुछ पता ना चले तो इनसे भी पता कर लें तो कर सकते हो आप। इसके बाद दोस्तों बात कर लें तो फॉरेन, ये यहाँ पे डेट शीट आई हुई है, किसकी है ये, तो ये है आपकी भोटी लैंग्वेज एग्जामिनेशन, ठीक है, भोटी लैंग्वेज की, भोटी लैंग्वेज एग्जामिनेशन डिप्लोमा इन भोटी, ओके। और नेक्स्ट है एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन भोटी लैंग्वेज, और इसके बाद है सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन एडवांस डिप्लोमा इन जर्मन फ्रेंच रशियन एग्जामिनेशन, तो इनकी डेट शीट है ये, ओके। नेक्स्ट दोस्तों डेट शीट की बात करें तो नेक्स्ट जो डेट शीट है वो है ये दोस्तों, ये बीएड की डेट शीट है, ये यहाँ पे रिवाइज्ड हुई है, ठीक है। तो आप देख लेना अब आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर लो, ये रिवाइज्ड यहाँ पे की गई है, ओके। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो ये रहा HPTU की तरफ से, तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, अभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इन सभी कोर्सेज के लिए 30 सितंबर तक, उसके बाद आपका जो यहाँ पे काउंसलिंग है शेड्यूल जो है वो आपको बाद में बताया जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा, दोस्तों ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पे BSc नर्सिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के, और
एग्ज़ाम जो है अक्टूबर 2021 में लिखे गया है यहाँ पे, और 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे पहुँचा देना है 4 अक्टूबर तक आपको, ओके। और ये दूसरा भी है साथ में, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, ये भी 4 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और इनके पास पहुँच जाना चाहिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 3 मेडिकल साइंसेज, ओके। तो सर इसके बाद हम बात कर लूँ रिजल्ट की, कौन सा रिजल्ट आया हुआ है। तो रिजल्ट का पीडीएफ मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि ये 4-5 पीडीएफ थे अलग अलग। तो ये आपका रिजल्ट आया बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड इंप्रूवमेंट एंड डिग्री कंप्लीशन एग्जामिनेशन, जो आपकी मार्च में हुए थे, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा है बीए सेकंड ईयर डिग्री कंप्लीशन मैनुअल एग्जामिनेशन, तीसरा है बीए सेकंड ईयर इंप्रूवमेंट का, चौथा है बीए सेकंड ईयर डिग्री इंप्रूवमेंट मैनुअल का, और इसके बाद है आपका बीए सेकंड ईयर डिग्री कंप्लीशन। तो ये आप पूरा देख लेना, पूरा आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, और जितने भी नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ सभी के सभी वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये अपना रिजल्ट भी देख लेना जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिए थे मार्च में, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट वाला और डिग्री कंप्लीशन के लिए था ये एग्ज़ाम, जो कि मार्च में हुए थे। ईयरली सिस्टम है दोस्तों, ये जिनका भी ईयरली सिस्टम था ना, ये पहले वाले थे शायद 2012 और उससे पहले वाले थे शायद ये, तो उनके लिए था ये, इनके एग्ज़ाम हुए थे मार्च में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।